हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है डेली करंट फॉर स्टूडियो में। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2000 रुपये के नोट के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल ही गई होगी आपको, लेकिन यहां आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किस पॉलिसी के तहत, किस नीति के तहत RBI ने कदम उठाया है और क्यों अचानक अभी उठाने की ज़रूरत पड़ गई है। क्या ये नोटबंदी है फिर से? इसके अलावा ये भी जानेंगे कि रुपया छपने से लेकर उसके नष्ट होने तक की क्या प्रक्रिया होती है, सब चर्चा होगी। और भी क्वेश्चन है, जैसे जूनोटिक रोगों को लेकर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को लोन दिया है, विदेश में क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पर TDS लगेगा, क्या है ये नियम, क्यों बदलाव किया गया है, ये भी जानेंगे। भारत के 82nd ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं और पिछले हाल के ग्रैंड मास्टर कौन कौन है वो भी चर्चा करेंगे। किस चीफ मिनिस्टर को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला है 2023 का। और भी क्वेश्चन है, सब पर चर्चा होगी दोस्तों, तो एक लाइक बनता है, जरूर करें। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन, RBI ने किस नीति के तहत या कहें पॉलिसी के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया? पब्लिक से कहा गया है कि वो बैंक में वापस जमा कराएं। इसका आंसर होगा क्लीन नोट पॉलिसी। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, क्या है क्लीन नोट पॉलिसी, ये आपको ध्यान में रखना है। दो चीज़ ध्यान रखना है कि कितने रुपए के नोट वापस करने का सरकार ने फैसला किया या RBI ने, और दूसरा किस पॉलिसी के तहत, तो क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये किया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में और बताते हैं आगे। तो देखिए, जैसे ही RBI ने इसका ऐलान किया और ये खबर पूरे भारत में आग की तरफ फैल गई, ये है नोटिस, ये जारी किया गया RBI के द्वारा और इसने 2016 के नोटबंदी की याद दिला दी। हालांकि RBI का जो फैसला है वो 2016 की तरह का नहीं है, क्योंकि उस वक्त तो अचानक 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को लीगल टेंडर उसका रद्द कर दिया गया था, नहीं अचानक से उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी, केवल आप बैंक में वापस कर सकते थे कुछ वक्त के लिए। तो यहाँ पर एक अपडेट तो ये है कि ये लीगल टेंडर रहेंगे 2000 रुपये के नोट जो हैं वो, लेकिन अब RBI इसको इशू नहीं करेगा किसी बैंक को और बैंक आपको इशू नहीं करेंगे 2000 रुपये के नोट। और अल्टीमेटम दिया गया है कि 30 सितंबर तक आप 2000 रुपये के नोट को बैंकों में बदल लें या अकाउंट में जमा करा लें, ठीक है। और RBI ने खास तौर पर कहा है कि 2000 रुपये के नोट का लीगल टेंडर रहेगा, मतलब ये अमान्य नहीं होगा, मतलब इस अवधि के बाद भी, 30 सितंबर के बाद भी ऐसा करना है। लेकिन उसके बाद क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तो ज़रूरी ये है कि अगर नोट है तो आप या तो बैंक में जमा करा दें या फिर उसको एक्सचेंज कर लें। RBI का कहना है कि ये हम काम, ऐसा जो डेडलाइन दे रहे हैं वो सिर्फ लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बार जब RBI ने कह दिया कि इसको वापस कर लिया जाए तो चलन में तो रहेगा नहीं, क्योंकि दुकानदार लेंगे नहीं, आपके दोस्त पैसे लेंगे नहीं, या किसी को आपने रुपए देने होंगे तो वो 2000 रुपये का नोट लेगा नहीं। तो इसलिए एक तरह से कह सकते हैं कि अब ये एक तरह से 2000 रुपये का नोटबंदी सी स्थिति है, लेकिन ऑफिशियल इसको ये लीगल टेंडर रहेगा। ये ऐसी स्थिति है जैसे कि कई जगह आपने देखा होगा कि 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का खास तरह का वो उस मार्केट में इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि दुकानदार या पब्लिक ही लेने से मना कर देते कि नहीं ये नहीं लेंगे, तो वह चलन से ही बाहर हो जाता है। लेकिन RBI के द्वारा वो मान्य रहता है, इसके बावजूद होता है, ठीक है। तो इसके बारे में और ढंग से समझते हैं, तो RBI ने क्या कहा है, कहा है कि 2000 रुपये के नोट जो हैं वो सर्कुलेशन से वापस लेंगे, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या जो था 2000 रुपये के नोट छापने का और उसको मार्केट में लाने का, वो 2018-19 में ही पूरा हो चुका था, उसके बाद इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। 2018-19 से ही इसकी प्रिंटिंग बंद थी, ठीक है। तो अगर हम देखना चाहें कि कुछ आंकड़े की, जो पिछले कुछ वक्त में जो करेंसी छपी है 2000 रुपये और 500 रुपये का नोट, ये दो जो नए नोट हैं ना, ये खास तौर पे ये RBI के द्वारा 2016 के बाद जारी किए गए थे। 100 रुपये के भी खास तरह के नोट जारी किए गए थे, ओके। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 2000 रुपये के नोट जो है ना, वो 2018-19 के बाद छपे ही नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद से आपने देखा होगा कि मार्केट में लगातार 2000 रुपये के नोट जो हैं वो दिखने कम हो गए थे, या कि बैंकों से भी आप जब रुपए लेने जाते होंगे तो वहाँ भी आपको ऐसा कम ही मौका मिलता होगा जब 2000 रुपये के नोट मिले। ATM से तो लगभग गायब हो गए थे 2000 रुपये के नोट,
तो यहाँ अब ये कर दिया गया है कि अब इसको वापस लेने का फैसला कर लिया गया। 500 रुपये के नोट जो है ना वो अभी भी छप रहे हैं। ओके, जैसे 2021-22 का जो आखिरी डेटा जो RBI ने जारी किया है उसके मुताबिक 12,080 करोड़ नोट, यहाँ पर रुपए की बात नहीं हो रही, ये 500 रुपये के इतने नोट की बात हो रही है, ठीक है। तो इतने छपे थे आखिरी बार, ये टोटल जो नोट छपे थे मतलब 2016-17 से 2018-19 तक वो 2000 रुपये के नोट थे, टोटल 370 करोड़ नोट, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2000 से कितने रुपए हुए। और सबसे ज़्यादा जो नोट छपे हैं वो 500 रुपये के नोट छपे हैं, 6,479 अब तक की बात हो रही है, ठीक है। अब सवाल ये है कि 30 सितंबर तक अगर आप नोट नहीं जमा कराते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, लेन देन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, RBI ने कहा है, लेकिन फिर वही बात होगी जैसे सिक्के का मामला आता है कि सिक्का नहीं चलता है, दुकानदारी लेना बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही ये पेमेंट आप किसी से ले तो सकते हैं लेकिन आपको देने में बड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो और 30 सितंबर के बाद तो हो सकता है कुछ और दिक्कत आ जाए, RBI का कुछ और गाइडलाइन आ जाए। तो और आपको ध्यान में रखना है कि पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी 2016 में तो किस तरीके से लगातार नियम चेंज पर चेंज किए जा रहे थे, ठीक है, लोग परेशान पर परेशान हो रहे थे। तो अच्छी बात है कि लंबा वक्त मिल गया है कि वापस कर दिया जाए नोट को। अब सवाल ये है कि क्या अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपका अकाउंट नहीं है लेकिन आपके पास नोट हैं तो क्या आप बदल सकते हैं? तो हाँ, नॉन अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक की शाखा में जाकर एक बार में 20,000 रुपये यानी 2000 के 10 नोट ही बस उसको आप बदल सकते हैं, ठीक है, या एक्सचेंज कर सकते हैं वही। लेकिन अगर आपके पास अकाउंट है बैंक का तो उसमें आप चाहे जितना भी रकम जमा कर सकते हैं, लेकिन ख्याल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का भी रखना होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा है तो। आम लोगों के लिए तो दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये सवाल है कि नोट नहीं जमा कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए, जैसा पहले भी मैंने कहा कि चलन से बाहर RBI के कहने के अनुसार तो नहीं हुआ है, लेकिन जब लोग लेंगे ही नहीं तो इसको रख के आप करेंगे क्या, ठीक है। तो डेडलाइन तो 30 सितंबर तक की है, तब तक आप वापस कर सकते हैं, लोगों के लिए किया गया। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि किस नीति के तहत ये फैसला किया गया है। तो ये है क्लीन नोट पॉलिसी। क्या है क्लीन नोट पॉलिसी, जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन बनाया था इसी को लेकर, ये महत्वपूर्ण है। तो क्लीन नोट पॉलिसी जो है इसके तहत RBI ने ये फैसला किया है। और ये पॉलिसी है क्या, तो इसमें नियम है कि आम लोग करेंसी नोट्स पर कुछ ना लिखें क्योंकि ऐसा करने से उसका रूप रंग बिगड़ जाता है, लाइफ भी कम हो जाती है। और लोगों को लेन देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट यानी पेपर करेंसी मिले, और इसी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी जो है ना वो लागू की गई थी। और इसी पॉलिसी के तहत ये है कि 5-6 साल तक नोट की स्थिति अगर ख़राब होने लगती है तो उन नोट को वापस ले लिया जाता है RBI के द्वारा और उसको नष्ट कर दिया जाता है। ओके, तो चूंकि 2018-19 के बाद से छपे नहीं हैं तो RBI ने कहा कि अब हम इस नोट को वापस ले रहे हैं। ओके, और अगर बात करेंगे कि पिछले वक्त में कितने नोट जो है ना वो नष्ट किए गए हैं, ठीक है, ये ग्राफिक से दैनिक भास्कर ने दिया है। मैं कई सारे न्यूज़पेपर को उसकी समीक्षा करके और ये आपको पेश करता हूँ, ठीक है, हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, और ये कुछ ग्राफिक्स इंडियन दैनिक भास्कर ने जारी किए। तो नष्ट करने की बात होगी तो ये देखिए कि 18-19 के बाद से 2000 रुपये के नोट नष्ट होने शुरू किए थे RBI ने, और अब तक 102 करोड़ नोट, अगर रुपए में करेंगे तो इस मल्टीप्लाई बाय 2000 करना होगा आपको, ठीक है। तो इतने नोट नष्ट किए हैं और 500 रुपये के भी नोट को नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है, मतलब ऐसे नोट जो कि घिस गए हैं या फट गए हैं या उस पर कुछ लिखा हुआ है जिसको लिखना मना है, तो और वो अगर इस्तेमाल होगा तो ख़राब हो सकता है, तो ऐसे नोटों को नष्ट कर दिया जाता है RBI के द्वारा, ठीक है। तो अगर हम अब देखेंगे कि नोट छपने से लेकर और उसके नष्ट करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो RBI
सरकार की सलाह पर यह हर साल तय करता है कि कितने नोट छापे जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो करेंसी जो नोट प्रेस है कहाँ कहाँ पर है, नासिक में है, महाराष्ट्र में, देवास में, मध्य प्रदेश में, मैसूर कर्नाटक में है और सालबनी पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ जो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ पर छपाई के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है। उसके बाद वो छप के आ जाते हैं और फिर आरबीआई 19 शहरों में जो आरबीआई के करेंसी इशू ऑफिस है वहाँ पर पहुँचता है और वो बैंक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, और चेस्ट ब्रांच के जरिए ये तमाम शाखाओं में बैंकों के वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद क्या होता है, पब्लिक को ये मिल जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ साल बाद जब नोट तमाम हाथों से गुजरते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं और इसको डैमेज होने में 5 से 7 साल का वक्त लगता है और लगातार सर्कुलेशन में रहने से ये नोट में प्रॉब्लम होने लगती है और तो इसी वजह से इसको वापस कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है और इसको नष्ट कर दिया जाता है। तो ये है पूरी कहानी। और कई बार ऐसा भी होता है कि नोट जो है वो सर्कुलेशन से गायब हो जाते हैं। अब गायब कैसे हो जाते हैं, होता ये है कि या तो ब्लैक मनी के रूप में उसको रख लिया गया तो वो चलन से ही, सर्कुलेशन से ही अचानक से कुछ नोट जो है ना वो अलग गायब हो गए, मार्केट में है ही नहीं। इस सब का जो है ना आरबीआई लेखा जोखा रखता है, सर्वे करवाता रहता है। ठीक है, लेकिन अब आप मीडिया में कई बार जगह ये भी सुन रहे होंगे कि ब्लैक मनी पर बड़ा कड़ा प्रहार हुआ है सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा। यही बात 2016 में भी कही गई थी जब नोटबंदी की गई थी, लेकिन देखने को ये मिला कि जो पहले जितने नोट थे मार्केट में उससे ज़्यादा नोट जो है ना नोटबंदी के बाद आ गए थे और कितने तकरीबन 99% रकम जो है ना वो बैंकों के पास वापस आ गई थी। दावा था कि काला धन खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत लोगों में उहापो और परेशानी की स्थिति ज़्यादा देखने को मिली थी उस, और यहाँ तक कि तमाम अर्थशास्त्रियों ने ये उस वक्त कहा था, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, कि उससे आपकी आर्थिक विकास पर बहुत असर पड़ेगा। तो जहाँ 8.2% ग्रोथ रेट था जीडीपी का, तो नोटबंदी के बाद ही वो काफ़ी घट गया था। ठीक है, कई बार ये उस वक्त आलोचना की जाती थी कि 2000 रुपये के नोट तो ब्लैक मनी रखने के लिए और आसान हो जाएगा। तो यहाँ ये कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा या आरबीआई के द्वारा। अब ये भी सवाल हो सकता है आपके मन में, तो क्या सरकार की भूल सुधार तो नहीं है? देखिए, ऐसा कुछ सरकार ने कहा नहीं है। अब एक तो बात हो गई कि नोट जो है वो वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है और एक ये बात है कि इससे कहा जा रहा है कि ब्लैक मनी जो जमा है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल के जो आपने अगर अखबारों के न्यूज़ देखे होंगे, फोटोग्राफ देखे होंगे, जो ईडी के या सीबीआई के छापे होते हैं उसमें ज़्यादातर नोट 500 के ही मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव बात भी समझ लें कि ये जो बदलाव किया गया है वापस लेने का, उसका क्या असर, दुष्प्रभाव क्या हो सकता है। देखिए, आर्थिक पत्रकार हैं हरवीर सिंह, वो कहते हैं कि 2000 रुपये के नोट बंद करने का फैसला इकोनॉमी में डिसरप्शन लाएगा। आम ये जो कदम है वो जो छोटे कारोबारी हैं उस पर असर पड़ सकता है और डिमांड को मार्केट में वो कम कर सकता है, इकोनॉमी के जो ग्रोथ रेट है उस पर भी असर हो सकता है। तो आपने आरबीआई के इस कदम का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ों को समझ लिया। आरबीआई का कहना है कि ये लीगल टेंडर रहेगा, अभी अचानक से इस नोट को 2000 रुपये के नोट को मतलब चलन से बाहर नहीं किया गया, लेकिन ऑटोमेटिकली चलन से बाहर तो हो ही जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, जो भी मैंने बताया ये सब कुछ इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उसमें अवेलेबल है और 1 ईयर का एक मेंबरशिप प्लान भी है आपके लिए। इसके ज़रिए आपको बहुत मामूली सी रकम में 1 साल तक करेंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलता है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। साथ में आप डेली मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं करंट अफेयर्स का, वीकली और मंथली मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं करंट अफेयर्स का। इसके अलावा इतने सारे एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ हैं, इसमें तमाम क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ, जो भी सिलेबस होता है उसके आधार पर ये
तमाम टेस्ट सीरीज़ तैयार किए जाते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। बहुत मामूली सी रकम है, आप ये ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना आप। अगला क्वेश्चन, भारत में जूनोटिक रोगों को नियंत्रित करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने रकम के लोन को मंजूरी दी है? इसका आंसर होगा $82 मिलियन। रुपए में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? लगभग 672 करोड़ रुपए के आसपास होता है। ठीक है, तो जूनोटिक रोग क्या होता है? अच्छा, एक तो न्यूज़ भी देख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे ही ये क्लिपिंग वहीं से मैंने उठाया। जूनोटिक रोग क्या होता है? जूनोटिक रोग वैसे संक्रामक रोग होते हैं जो प्रजातियों के बीच जानवरों से मनुष्यों में या मनुष्यों से जानवरों में फैलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो सबसे ज़्यादा उदाहरण दिया जाता है वो रेबीज का दिया जाता है। इसके अलावा भी कई और डिजीज हैं, जैसे जो अभी हाल फिलहाल में जो स्वाइन फ्लू आया, इसके अलावा COVID-19 आया, तो ये सब जानवरों से या दूसरे जो प्रजाति के पशु पक्षी हैं उससे मनुष्यों में जो फैल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं जूनोटिक डिजीज़। तो इसी पर कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने सरकार को $82 मिलियन लोन स्वीकृत किया है, और इसका उद्देश्य यही होगा कि जो स्थानिक जूनोटिक ट्रांसबाउंड्री और जो इस तरह के रोग हैं इसके बारे में पता लगाना और रिस्पॉन्स करना। ठीक है, और इसको खर्च किया जाएगा पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के इस रकम को उद्देश्य यही है कि पशु रोग और जूनोस रोगों को कंट्रोल किया जाए, नियंत्रित किया जाए। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने ये कदम उठाया, वर्ल्ड बैंक ने ये लोन दिया है, तो उसके अध्यक्ष कौन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अभी हाल ही में बनाए गए हैं, कौन है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जरूर बताइएगा आप। ठीक है, MD और CEO हैं अंशुला कांत, मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, स्थापना हुई थी 1944 में। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज का नाम बताएं जिन्होंने मई 2023 में शपथ ली है। आंसर होगा इसका प्रशांत कुमार मिश्रा और KV विश्वनाथन। ठीक है, तो ये नाम है, ये दोनों फोटोग्राफ देख रहे हैं दोनों का, अब ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने अभी हाल ही में इन दोनों को शपथ दिलाई है। इससे पहले इन दोनों के नाम की सिफारिश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है तो उसने केंद्र सरकार से की थी, जिसको केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था और इन दोनों की नियुक्ति हो गई है, शपथ ग्रहण भी हो गया है। तो ये कौन लोग हैं? ये तो प्रशांत कुमार मिश्र जो हैं, इधर वाले जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र, ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इससे पहले थे, और KV विश्वनाथन, आप कहेंगे हम जस्टिस KV विश्वनाथन, वो सीनियर एडवोकेट हैं, 30 साल से ज़्यादा वक्त हो गए सुप्रीम कोर्ट में वो वकालत कर रहे हैं। तो इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट अपने फुल स्ट्रेंथ पर पहुंच गया है। यहाँ पर जजों की जो स्वीकृत संख्या है टोटल वो है 34, और अब 34 हो गई है। ठीक है, रिटायरमेंट होता रहता है, फिर नई नियुक्तियाँ होती रहती हैं, और नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, कल भी मैंने बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है, सुप्रीम कोर्ट ने जजों को नियुक्त करने के लिए अपना ही एक समूह बनाया हुआ है जिसको कॉलेजियम कहते हैं, सीनियर मोस्ट 5 जज होते हैं उसमें, और वो रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि इनको जज बनाया जाए, और फिर गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं होता है, वो तो या तो वापस कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा भेजा जाए तो उनको करना ही पड़ता है। तो उस रिकमेंड को मानकर और उसके बाद फिर राष्ट्रपति के पास मैसेज पहुंच जाता है, राष्ट्रपति नोटिफाई कर देते हैं कि इनको जज बना दिया जाए, ठीक है, या इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 दिवसीय इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? आंसर का न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, और आपको बताऊं कि 47th इंटरनेशनल म्यूजियम डे के दौरान ही 18 मई को इसका उद्घाटन किया गया था, 20 मई तक ये आयोजन हुआ है, और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम की डायरेक्टरी भी लॉन्च की और भी कुछ लॉन्च किया, तो मेन चीज़ है म्यूजियम की डायरेक्टरी लॉन्च की गई है। तो संस्कृति मंत्रालय ने इस दौरान कहा कि देश में
टोटल जो है ना वो 383 म्यूजियम की स्थापना की जा चुकी है अब तक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना प्रतिशत TDS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लागू किया है? आंसर का इसका 20%। ठीक है, न्यूज़ देख रहे हैं आप मेरे बगल में, तो क्रेडिट कार्ड विदेश में इस्तेमाल करना आप महंगा होने वाला है 1 जुलाई से, ये 20% TDS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगेगा। और सरकार का कहना है यानी वित्त मंत्रालय का कहना है कि RBI से परामर्श करके कॉन्टैक्ट करके ये कदम उठाया गया। तो इसको समझिए कैसे, देखिए वित्त मंत्रालय ने क्या किया इसके लिए, 16 मई को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसके जो नियम है रूल्स हैं उसमें बदलाव किया। किसमें किया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जो रूल्स हैं नियम हैं उसमें बदलाव किया। इस संशोधन के बाद क्या हुआ, तो इसके तहत ये हो गया अब कि इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत से बाहर अगर इस्तेमाल करते हैं तो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS, यहाँ देख रहे हैं द हिंदू में LRS, तो इसके तहत अब क्रेडिट कार्ड भी आ गया है। अब सवाल होगा कि LRS जो है ना वो क्या है, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक RBI की अनुमति के बिना विदेश में $2.5 लाख तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक का खर्च कर सकता है 1 साल में। अगर इससे ज़्यादा खर्च करना है तो फिर RBI की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इससे छूट थी पहले जो फॉरेक्स मतलब क्रेडिट कार्ड है उससे अगर खर्च करते थे तो उस दायरे में नहीं आता था, यानी RBI का जो ये LRS स्कीम था उसके दायरे में नहीं आता था अगर आप क्रेडिट कार्ड से इस्तेमाल करते हैं विदेश में जाकर। तो ठीक है, तो होता ये था कि $2.5 लाख से अधिक खर्च करने के लिए ज़्यादातर लोग जो अमीर लोग हैं उसकी बात कर रहा हूँ तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते थे और RBI के नियम से बच जाते थे। तो अब RBI ने यही किया है कि उसको टैक्स के दायरे में कर दिया है, यानी TDS के दायरे में कर दिया। TDS क्या है? TDS जो होता है ना वो आपको वापस मिल सकता है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो आप दावा कर सकते हैं कि हमने ये TDS दिया है, हमको ये वापस कर दिया जाए, तो वो वापस हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये होगा कि सरकार की नज़रों में रहेगा पूरा का पूरा मामला। जैसे ही TDS कटेगा वैसे ही सरकार को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, RBI को इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, तो यहाँ पता चल जाएगा कि आपने $2.5 लाख से ज़्यादा विदेश में खर्च तो नहीं किया। अगर खर्च किया है तो पहले RBI से परमिशन लीजिए, उसके बाद ये सब काम कीजिए। तो मतलब विदेश में अगर क्रेडिट कार्ड के जरिए आप कुछ भी खर्च कर रहे हैं तो निगरानी अब वहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो ये है कि सरकार को पता चलेगा कि कितना खर्च हो रहा है, नेगेटिव ये है कि लोग क्रेडिट कार्ड से होने वाले जो ऑनलाइन पेमेंट है उसको करने से हिचकेंगे और विदेशी मुद्रा को कैश में रखना चाहेंगे। तो कैश में रखेंगे इससे हवाला जो चैनल है उसको बढ़ावा मिल सकता है, ऐसी भी आशंका कुछ खबरों में जताई गई है। अगला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस यानी वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 20 मई को आयोजित होता है। और 2023 की थीम क्या है? मधुमक्खी परागकणकर्ता के अनुकूल कृषि उत्पादन में लगी हुई है। ये दिवस जो है ना एंटोन जानसा उनके जन्म की याद में मनाया जाता है। उन्होंने मधुमक्खी पालन को लेकर काफ़ी काम किया था, उनको अग्रणी माना जाता है इसको लेकर। ठीक है, तो ये डे 20 मई आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, हीमोफोबिया ट्रांसफोबिया और बीफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 17 मई को। ये LGBT अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस की घोषणा की हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? क्या है विश्व माप विज्ञान दिवस? अंग्रेजी में कहते हैं मेट्रोलॉजी। ठीक है, यहाँ मौसम विभाग वाला मत समझ लेना, आप कन्फ्यूज मत हो जाना। इसका आंसर होगा 20 मई। ठीक है, और 2023 की थीम क्या है? वैश्विक खाद्य प्रणाली का समर्थन करने वाले मापन। ओके, इंग्लिश में कहेंगे इसे जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मेजरमेंट्स सपोर्टिंग द ग्लोबल फूड सिस्टम। तो ये है मेट्रोलॉजी क्या है यानी मापिकी,
ये भौतिकी की फिजिक्स की वो शाखा है जिसमें शुद्ध माप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो देखिए बात है 20 मई 1875 की। उस वक्त मीटर कन्वेंशन पर सिग्नेचर हुआ था दुनिया के बहुत सारे देशों के बीच में, और ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, संधि थी, जिसके तहत जो मापने की इकाई है वो पूरी दुनिया में एक रूपता लाई गई थी। जैसे एक किलोग्राम का वजन क्या होगा, तो हो सकता है कि उसका वजन किसी दूसरे देश के लिए अलग हो, किसी तीसरे देश के लिए अलग हो, तो वो सेम हो, तो उसके लिए ये एग्रीमेंट तय हुआ था इसी तारीख को, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन थे भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर का नाम बताएं कौन है। आंसर का वो पल्ला प्रणीत, क्या नाम है, वो पल्ला प्रणीत। वे तेलंगाना के हैं, 15 वर्ष उम्र है उनकी, और बाकू ओपन 2023 के दौरान उन्होंने अमेरिका के जीएम हंस नीमन को हराया, और फिर इनको जो पॉइंट्स मिले उसकी वजह से इनको ग्रैंड मास्टर का दर्जा मिल गया है। ठीक है, तो कुछ ग्रैंड मास्टर की पूरी लिस्ट मैंने यहाँ दे दी है। 82वें हैं वो पल्ला प्रणीत, 81वें ग्रैंड मास्टर हैं सायंतन दास, 80वें ग्रैंड मास्टर हैं विग्नेश एन आर, 79th ग्रैंड मास्टर हैं प्रणेश एम, 78th ग्रैंड मास्टर हैं कौस्तुभ चटर्जी। तो ये पिछले 6 महीने साल भर में इतने लोग ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किस मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड 2023 मिला है। आंसर होगा योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में ये अवार्ड दिया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो वहाँ नहीं पहुँचे, तो उनकी जगह पर यूपी विधान परिषद मेंबर डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल, उन्होंने ये अवार्ड ग्रहण किया है। ये जो अवार्ड है वो एक एनुअल अवार्ड है, और प्रतीक चिन्ह के साथ 10 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र, ये सब दिए जाते हैं, और पुरस्कार का जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन के लिए, और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन में हमारे तमाम क्वेश्चन आ गए, इस एग्जामिनेशन में तमाम क्वेश्चन आ गए। ओके, तो कुछ तो ये भी देख लीजिए, UPSC में तो आया ही था, और ये एक नया है कमेंट जिसमें उनका कहना है कि उनके एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स के जितने क्वेश्चन आए वो सब हमने जो पढ़ाए थे वही आए। ओके, तो बड़ी खुशी होती है आप सब जब इस बात को बताते हैं। रहा मेंबरशिप प्लान है आप सबके लिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब मिलते हैं कल ताज़ातरीन कंटेंट के साथ। बाय।